जिले की 40 वर्षीय ब्रेन डेड महिला संतोष देवी के अंगों को आज अन्य मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के आर्गन ट्रांसप्लांट नोडल अधिकारी डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने बताया कि परिजनों की सहमति से महिला की दो किडनी और लिवर अन्य मरीजों को लगाए गए। गत शुक्रवार रात को सड़क दुर्घटना में घायल महिला संतोष देवी को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल उनको ब्रेन डेथ घोषित किया गया। इसके बाद हमारी एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की टीम होती है जो कि काउंसलिंग का काम करती है, तो इस टीम ने फैमिली मेम्बर्स के साथ काउंसलिंग की। इनके जो बेटे थे, इनके जो भांजे थे, उनको ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताया गया और मैं उस फैमिली को और परिवारजनों को नमन करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऑर्गन डोनेशन की स्वीकृति दे करके 3 जिंदगियों को बचाया है। 2 किडनी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रांसप्लांट इस समय चालू है, उनका किया जा रहा है, और एक लीवर महात्मा गांधी गया है, क्योंकि हमारे पास जो वेटिंग लिस्ट में उस ब्लड ग्रुप के पेशेंट जो है वो अवेलेबल थे, उन्होंने आज आने को मना कर दिया था। इसमें क्या, अपने पास विंडो पीरियड बहुत कम होता है, तो तुरंत पेशेंट को बुला करके उसको जांच करवा के अपने को तैयार करना होता है सर्जरी के लिए। तो इस प्रकार से आज हमारे यहाँ ये कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हुआ है। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी है और ये हमारे लिए बहुत ही हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को कि हम ये करके और 3 जिंदगियों को नया जीवन दे पा रहे हैं।